आज जो हम लोग का टॉपिक है वो ट्रांसफर्ड बाय ऑस्टेंसिबल ओनर के दृष्टिमान स्वामी द्वारा अंतरण। दृष्टिमान स्वामी समझिए पहले होता कौन। ऑस्टेंसिबल ओनर एक ऐसा पर्सन को कहा जाता है जो आपको इंडिकेट करेगा मतलब आपको पता रहेगा कि प्रॉपर्टी का एक्चुअल में जो ओनर है वो वही व्यक्ति, लेकिन सच में क्या होगा कि वो ओनर नहीं रहेगा, कोई और उसके बिहाफ में ओनर। ठीक है, तो ऐसे ओनर को जो दिखा रहा है अपने आप को कि हम ही ओनर है लेकिन एक्चुअल ओनर कोई और है, वैसे आदमी को हम लोग बोलते हैं ऑस्टेंसिबल ओनर, दृष्टिमान स्वामी। ये जो है वो इंडिकेट करेगा आपको, हर तरीके से इंडिकेट करेगा कि हम ही हैं रियल ओनर, लेकिन एक्चुअल में ये रियल ओनर नहीं रहता। ठीक, वो पर्सन के कब्जे में प्रॉपर्टी हो सकती है, यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है, फॉर एग्जाम्पल टाइटल डीड, जमीन के कागजात पे जहां जहां नाम वगैरह होते हैं, तो उस प्रॉपर्टी के जो भी कागजात है, डॉक्यूमेंट है, उससे हो सकता है कि उसी का नाम हो, लेकिन एक्चुअल ओनर जो है वो नहीं है। इसको अच्छे से समझने के लिए दो टर्म समझ लीजिए, पहले होता क्या, एक होता है बेनामी ट्रांजेक्शन। ठीक, बेनामी ट्रांजेक्शन क्या होता है, एक कोई पर्सन है वो किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद रहा है, ये खरीदने की जो प्रक्रिया होती है वो बेनामी ट्रांजेक्शन कहलाती है। ठीक, और जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी खरीदा गया है वो बेनामीदार कहलाता है, ऑस्टेंसिबल ओनर कहलाता है। कोई व्यक्ति अपना प्रॉपर्टी भी खरीद रहा है और प्रॉपर्टी खरीदते टाइम वो ओनर पे अपना नाम भी नहीं दिलवा रहा, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसा करने की सोचेगा? ये एक कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो ये सोच रहा हो कि हम टैक्स को किसी तरह इवेड कर, टैक्स की चोरी करना चाह रहा है। हो सकता है कि वो अपने नौकर के नाम पे कोई प्रॉपर्टी खरीदे और बाद में वो नौकर से अपने आप को वो प्रॉपर्टी गिफ्ट करा ले, ऐसे कंडीशन में उसको प्रॉपर्टी टैक्स उतना ही भरना होगा जो गिफ्ट का टैक्स बनेगा, जो कि बहुत कम होता है प्रॉपर्टी को खरीदने के टाइम। ठीक, गिफ्ट कर रहा है प्रॉपर्टी कोई आपको, तो गिफ्ट का जो 100 रुपया से ज्यादा का इमोवेबल प्रॉपर्टी उसका बस रजिस्ट्रेशन का चार्ज देना और तो नहीं टैक्स वगैरह उसमें कुछ पेमेंट करना रहता है, तो वो व्यक्ति हो सकता है जो टैक्स की चोरी करना चाह रहा है। दूसरा होता था कि पुराने अभी भी फीमेल्स के नाम पे टैक्स जो है वो कम लिया जाता है, तो अपनी माँ के नाम पे, अपनी बीवी के नाम पे प्रॉपर्टी को खरीदना आम बात है, पैसा हस्बैंड देगा, फादर देगा और प्रॉपर्टी पे नाम किनका रहेगा, अपनी बीवी का नाम डलवा देगा, अपनी बेटी का नाम डलवा देगा, अपनी बीवी का नाम डलवा देगा, माँ का नाम डलवा देगा, तो ऐसे लोग। ठीक है, तो ऑस्टेंसिबल ओनर का सीन कहां से आया, ये बात आपको समझ में आ गया कि सेक्शन 41 को ओवरराइड करने के लिए, मतलब सेक्शन 41 के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको गाइड करने के लिए, ऑस्टेंसिबल ओनर से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उसको गाइड करने के लिए एक नया एक्ट आ चुका है जिसका नाम है बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट 1980। ठीक है, अब
सेक्शन 41 जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का, उसका अब पर्पस सिर्फ ये रह गया कि एकेडमिक पर्पस के लिए यूज होता है, आपके कॉलेज के एग्जाम में पूछ सकता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है, लेकिन एक्चुअल में जो यहाँ पर प्रिंसिपल्स है वो अब गाइडेड होगा बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट 1988। एग्जाम्पल, एक फादर के अपने माइनर बेटे के नाम पे एक जमीन खरीदता, क्या माइनर के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है जिससे वो जमीन खरीद पाएगा अपने नाम पे? नहीं, जाहिर सी बात है उसके फादर ही उसके नाम पे खरीदे होंगे। तो ऐसे में सन को ऑस्टेंसिबल ऑनर नहीं माना गया, ठीक है, सन को, बल्कि सॉरी, सन को ऑस्टेंसिबल ऑनर माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि ये बहुत इविडेंट था, बहुत साफ बात है कि माइनर है, लड़का है, कहाँ से अपना इतना प्रॉपर्टी जमा कर लेगा, इतना पैसा जमा कर लेगा कि एक लैंड खरीद सके, प्रैक्टिकल पर्पस नहीं है। तो क्या हुआ? अच्छा, एक चीज बताइए कि क्या फादर अपने माइनर सन के नाम पर जमीन खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता? फादर खरीद सकता है? नहीं, सोचिए जरा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने हमें चीज बताया थे कि कंसिडरेशन जो है वो पार्टी भी दे सकता है और पार्टी के बिहाफ में कोई और पर्सन भी दे सकता है, ठीक है? तो एक तो है माइनर के बिहाफ में उसका फादर दे दिया, ठीक, तो पैसा दे सकता है उसके माइनर के बिहाफ में। दूसरा चीज यहाँ से निकल के आता है कि माइनर के साथ अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वॉइड एब इनिशियो ही ना होगा, तो इस पे ये जो है उसके फादर का ही उस पे वो अधिकार है, माइनर को सिर्फ एज ए बेनिफिशरी वहां नाम डाला गया। हर जगह आप इस तरह से ऑस्टेंसिबल ऑनर को कह नहीं सकते हैं कि कौन ऑस्टेंसिबल ऑनर है कौन नहीं, ठीक है? हो सकता है कि जो रियल ऑनर हो वो टेम्पररी कंट्रोल दिया हुआ होगा प्रॉपर्टी का कि मेरे बिहाफ में अभी आप कोई प्रॉपर्टी को कुछ टाइम के लिए कंट्रोल में रखें, क्या कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए प्रॉपर्टी को दिया हुआ होगा अपने एजेंट को कि ये पर्पस जब पूरा हो जाएगा तो हम तुमसे वापस ले लेंगे, ठीक है? या हो सकता है कि गार्जियन हो वो प्रॉपर्टी का, या फिर कोई रिश्ता नाता हो, फिड्यूशरी कैरेक्टर में हो, ठीक है? इन सब पर्पस से किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए या पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्पस के लिए प्रॉपर्टी जो है वो सामने वाले पार्टी को दिया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो लोग को भी ऑस्टेंसिबल ऑनर हम समझ लें। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैनेजर को मैनेजर है आपका, ठीक है, तो आप बहुत अमीर हैं, ठीक है, और अपने प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए कोई मैनेजर रखे हुए हैं, तो हो सकता है कि टैक्स वगैरह भरने के लिए म्युनिसिपल रिकॉर्ड में उस मैनेजर का ही नाम चढ़ा हुआ हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि वो ऑस्टेंसिबल ऑनर बन जाए। ऑस्टेंसिबल ऑनर होने के लिए हर एक कैरेक्टर पूरा करना होगा जो एक्चुअल ऑनर होते हैं उसको जो पूरा करते हैं, ठीक है? ये वाला मैनेजर, एक कर्ता होता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली का, कर्ता जो होते हैं वो हेड ऑफ द फैमिली जिंदगी भर, तो जो भी प्रॉपर्टी खरीदे जाते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली में या बेचे जाते हैं, खरीदने का बात करते हैं, या जो भी प्रॉपर्टी रहता है उसमें उस कर्ता का नाम रहता है, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि कर्ता जो है वो ऑस्टेंसिबल ऑनर है ज्वाइंट हिंदू फैमिली का, ठीक है? एक आइडियल के, आइडियल मतलब मूर्ति के रूप में एक ट्रस्टी को हम लोग पावर दिए, ठीक है? तो ट्रस्टी एज ए ट्रस्टी ही है, वो ऑस्टेंसिबल ऑनर नहीं काम कर रहा है। ऑस्टेंसिबल ऑनर होने के लिए जरूरी है कि सबको लगे कि इस प्रॉपर्टी का एक्चुअल मालिक जो है ना वो वही पर्सन, ठीक है? हमको आखिर पता कैसे चलेगा कि वो व्यक्ति जो है वो
एक्चुअल ओनर है या फिर ऑस्टेंसिबल ओनर, ये पता करना पड़ेगा ना। तो हमको आखिर पता कैसे चलेगा कि वो व्यक्ति ऑस्टेंसिबल ओनर है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप 6 बातों का ध्यान दें, तब आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में वो व्यक्ति ऑस्टेंसिबल ओनर है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहला बात इस केस में कहा जया ये जो केस आपका जया दयाल पोडर वर्सेस बीवी हजारा AIR 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने 5-6 गाइडलाइन बताया कि आप देखिए, पहला चीज आप ये देखिए कि सोर्स ऑफ परचेज मनी क्या है। पैसा जिस मनी से प्रॉपर्टी खरीदा जा रहा है तो पैसा आया कहाँ, आखिर कौन व्यक्ति है जिसने पैसा दिया? ठीक है, एक्चुअल में वही व्यक्ति पैसा दिया है या कोई और व्यक्ति दिया है? कोई और व्यक्ति दिया है तो एक्चुअल स्वामी तो वो था ना, ये कहाँ था? ठीक है, कैसा इसके पास कब्जा है, जिस आदमी के पास प्रॉपर्टी या कब्जा है वो कैसा कब्जा है? ठीक, क्या उसको इस्तेमाल करने के लिए है या बेचने उचने के लिए कब्जा है, क्या कब्जा है? कब्जा के बारे में आप समझिए, मोटिव क्या है, आखिर कोई आदमी आपके नाम पे बेनामी प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो उस आदमी का मोटिव क्या रहा होगा ऐसा करने के पीछे? कुछ ना कुछ मोटिव रहा होगा ना, टैक्स का चोरी, टैक्स का बचाना, या फिर और जो भी मोटिव है उससे खुश होकर उसको गिफ्ट देना, कुछ भी हो, जो भी हो वो मोटिव पता कीजिए आप। ये सब कोर्ट का काम है, या फिर जो पार्टी क्लेम कर रहे हैं उसका काम है। रिलेशनशिप क्या है, जो व्यक्ति ने किसी और व्यक्ति के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदा है वो दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है, स्ट्रेंजर है या फ्रेंड है? कोई स्ट्रेंजर के नाम पर इतनी प्रॉपर्टी थोड़े खरीद देगा, नहीं ना खरीदेगा, फ्रेंड होगा तो खरीद सकता है, वाइफ होगी तो खरीद सकता है, ठीक, मिस्ट्रेस होगी रखेल तो होगा तो खरीद सकता है, ठीक। तो ऐसा ऐसा कोई रिलेशन आप देख लीजिए कि क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, क्या कंडक्ट था दोनों पार्टीज का, ठीक है, आखिर उस प्रॉपर्टी का देखभाल कौन करता था, कंट्रोल क्या कौन करता था, ये बात को देख लीजिए। और लास्टली देख लीजिए कि टाइटल डीड जो है, मतलब प्रॉपर्टी के कागजात जो है वो किसके कब्जे में है। हो सकता है कि मिस्टर एक्स जो है मिस्टर वाई के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद दे, लेकिन ओरिजिनल कागज जो है अपने पास रखे रहे क्योंकि वही असली मालिक है। तो ऐसे कंडीशन में आप पता कर लीजिए ना कि आखिर असली मालिक कौन है। तो ये सब चीज आपको, इन छो चीज को एक साथ कंसीडर करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि आखिर कौन व्यक्ति ऑस्टेंसिबल ओनर है, कौन व्यक्ति रियल ओनर है, ठीक। और बर्डन किसके ऊपर है कि प्रूफ करो, तो जो पर्सन कह रहा है कि हम रियल ओनर हो, प्रूफ करो तुम रियल ओनर हो, तो वही आदमी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है। एक्चुअल में क्या कह रहा है, सेक्शन 41 कहता है कि अगर कोई इमोवेबल प्रॉपर्टी, एक इमोवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ क्लियर हो गया कि सेक्शन 41 जो है वो सिर्फ और सिर्फ इमोवेबल प्रॉपर्टी पे ही लागू होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं लागू, चल संपत्ति पे नहीं लागू होता, अचल संपत्ति पे लागू होता है, ठीक है। तो कोई इमोवेबल प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर कर दिया ऑस्टेंसिबल ओनर किसी और, ठीक है, और जो ट्रांसफर कर रहा है उसमें जो रियल ओनर है उसका एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कंसेंट। हम एक ऑस्टेंसिबल ओनर है, हमारे पास एक इमोवेबल प्रॉपर्टी है, हमने किसी और को दे दिया, मतलब बेच भाग दिया, और ऐसा बेचने के लिए जो असली ओनर था उसका एक्सप्रेस कंडीशन था, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कंसेंट। तो जो ट्रांसफरर है, ठीक, वो बाद में ये बात से डिनाई नहीं कर पाएगा कि हम तो एक्चुअल ओनर थे, ठीक है। अगर जो ट्रांसफरी है, मतलब जिसको प्रॉपर्टी मिल रहा है
वो गुड फेथ में रीजनेबल केयर से पता करते हुए उस प्रॉपर्टी को खरीदा हो, और वो खरीदा हो कंसिडरेशन पे उस प्रॉपर्टी को लिया हो, गिफ्ट उफ्ट के तौर पे ना लिया हो, ठीक है, तब जो पर्सन को प्रॉपर्टी मिल रहा है, मतलब जिस पर्सन को ट्रांसफर कर दिया है, उसका बेटर टाइटल हो जाए। बेटर टाइटल मतलब मालिकाना है। इसको समझ, मान लीजिए हमारे कब्जे में सेक्शन 41 क्या कह रहा है, हमारे कब्जे में एक प्रॉपर्टी है ये मोहगर, ठीक, हम उसको बेच रहे हैं मिस्टर सी। मिस्टर सी जो है उस प्रॉपर्टी को खरीद रहा है, ठीक, कंसिडरेशन देखिए कुछ पैसा दे, और वो गुड फेथ में खरीद रहा है, सारा रीजनेबल केयर उसने अप्लाई कर रखा है कि वो प्रॉपर्टी का असली मालिक जो है वो हम, प्लस हम जो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं मिस्टर सी को, उसको बेचने के लिए हमको एक्सप्रेस या इम्प्लाइड कंसेंट ओरिजिनल ओनर जो था उससे मिल रखा था, तो ऐसे कंडीशन में, इस सारे कंडीशन जब फुलफिल होगा, तो ऐसे कंडीशन में जिस आदमी को यानी मिस्टर सी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया गया है, उसका उस प्रॉपर्टी पे बेटर टाइटल माना जाएगा, मतलब उसका मालिकाना हक, ठीक। देखिए हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 115, ठीक, सेक्शन 115 ये कहता है कि अगर हम किसी व्यक्ति से कोई वादा करते, कोई बात करते, और वो व्यक्ति गुड फेथ में रीजनेबल केयर के साथ उस बात पे कोई काम कर दे, तो बाद में हमको उस बात से डिनाई नहीं करने दिया जाएगा कि हम, हमारा जो था ऐसा नहीं था, ठीक है, हमको उस चीज से डिनाई नहीं करने दिया जाएगा कि हम जो कहे थे वो गलत था। फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि एक लैंड है वो मेरा है और वो हम तुमको बेच देंगे, ठीक, और उसने खरीदने के लिए हमको एडवांस मनी दे दी, लेकिन एक्चुअल में वो लैंड मेरा था, लेकिन सब्सिक्वेंटली बाद में चल के कुछ ऐसा घटना घटा जिसके कारणवश हम उस प्रॉपर्टी के ओनर बन गए, तो हम कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते हैं कि जब हम उसको बेच रहे थे प्रॉपर्टी, बेचने का वादा किए थे, तब हम रियल ओनर थे ही नहीं। कोर्ट कहेगा नहीं, आपने वादा किया था और आपके वादे पे किसी ने कोई काम किया है, तो आपको बाद में चलकर वो वादा निभाना पड़ेगा। यही होता है स्टॉपल का प्रिंसिपल, आपको लॉ के द्वारा बार किया जाएगा उसके विपरीत में बोल देने के लिए बाद में जो आपने पहले बोला। यही प्रिंसिपल को सेक्शन 41 में टीपी में दे दिया गया, ठीक है, सेम प्रिंसिपल को अप्लाई कर दिया गया है सेक्शन 41, ठीक है। ये सेक्शन 41 जो है वो एक्सेप्शन है एक जनरल प्रिंसिपल का। जनरल प्रिंसिपल क्या है कि नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिटेड, मतलब कोई भी व्यक्ति उस चीज का ट्रांसफर नहीं कर सकता है जिसका वो मालिक ही ना। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एक्चुअल में वो कीर्तिमान स्वामी है और सेंसिबल ओनर है, फिर भी वो ट्रांसफर कर रहा है और उस ट्रांसफर को हम लोग अलाउ कर, हम लोगों को सेक्शन 41 का कुछ इसेंशियल कंडीशन होते हैं उनपे नजर डालना है, ठीक। पहला इसेंशियल कंडीशन है कि जो ट्रांसफर हो रहा है वो इमोवेबल प्रॉपर्टी का हो रहा है, ठीक। दूसरा जो है वो ऑस्टेंसिबल ओनर के द्वारा उस इमोवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है, और ये ट्रांसफर करने में जो एक्चुअल ओनर है उसका कंसेंट हो,
ठीक, कंसेंट जो है वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली भी दिया जा सकता है, पहला एसेंशियल कंडीशन। दूसरा एसेंशियल कंडीशन ये कह रहा है कि कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर किया जा रहा, कंसिडरेशन मतलब कुछ तो उस ट्रांसफर जो कर रहा है उसको मिल रहा हो, कुछ अमाउंट तो मिल रहा, ठीक है। तीसरा जो है, जिस व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा रहा है वो गुड फेथ में ट्रांसफर किया जा रहा है। और चौथा एसेंशियल ये कहता है कि जो ट्रांसफरी है, जिस व्यक्ति को ट्रांसफर किया गया है, वो अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया हुआ कर लिया गया है उसके द्वारा कि पता कर ले कि जिस व्यक्ति से हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं आखिर उसको अधिकार है भी या नहीं है ट्रांसफर करने का। अगर उसने पूरी तरह से पता कर रखा है, गुड फेथ में कर किया, तब जाके उसको प्रॉपर्टी मिलेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक, ट्रांसफर करने के लिए जो रियल ओनर है उसने एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली कंसेंट दे रखा हो। कंसेंट का जब भी बात होगा तो पहला चीज तो ये हम लोग देखेंगे कि कंसेंट जो है वो फ्री कंसेंट होना चाहिए, ठीक। और दूसरा चीज ये है कि कंसेंट जो है, जो व्यक्ति दे रहा है वो कैपेसिटी होना चाहिए कि वो कंसेंट दे सके। अब एक्सप्रेस कंसेंट किसको कहेंगे, अगर वो बोलकर या लिखकर वो कंसेंट दे रहा है तो वो एक्सप्रेस कंसेंट दे रहा है। इम्प्लाइड कंसेंट किसको देंगे, मान लीजिए कि उसको पता है कि उस प्रॉपर्टी का सेल होने वाला है, जो प्रॉपर्टी के हम मालिक है और हम ऑस्टेंसिबल ओनर किसी को बना रखे हैं, और ऑस्टेंसिबल ओनर जो है वो प्रॉपर्टी बेचने वाला है, और उसके बावजूद ये चीज उसको पता रहने के बावजूद वो चुप रह जाता है, ठीक है, तो कोई एक्शन ही नहीं ले रहा, बेच रहा है बेचने दो। तो हम मान लेंगे कि आपने, आपके शांत रहना या फिर आपका कोई कदम ना उठाना उसके विपरीत में कि मत बेचो मेरा प्रॉपर्टी है, हम मान लेंगे कि आपने इम्प्लाइड कंडीशन दे दी। आनंद मोहन वर्सेस निकी मड़ी का केस है 1921 का केस, ठीक है। इसमें एक व्यक्ति रहता है जो अपनी बीवी के नाम पे कुछ प्रॉपर्टीज खरीदता है और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में उसकी बीवी का ही नाम चढ़ा रहता है, और बीबी जो थी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी डील होता था ना, कुछ भी काम करवाना है, कुछ भी करवाना है, किराया लगवाना है, जो भी करवाना है, कोई भी डील कराना है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उसकी बीबी के द्वारा ही किया जाता था। जब ए मर गया, यानी जिसने प्रॉपर्टी खरीदा था वो मर गया, तो उसकी बीबी ने क्या किया, प्रॉपर्टी सी को मॉर्गेज कर दिया। बेचारा सी समझ रहा था वही असली ओनर है, गुड फेथ ने उसने खरीद लिया उस प्रॉपर्टी को, बल्कि मॉर्गेज ले लिया, ठीक है, उसने गिरवी रखा, इसने गिरवी ले सी ने। अब यहां पर बाद में ये डिस्प्यूट उठा कि क्या उसकी बीवी को राइट था उस प्रॉपर्टी को मिस्टर सी को मॉर्गेज कर देने का या नहीं कर देने का। यहां पर ये कहा गया कि मिस्टर ए जो था उसका इम्प्लाइड कंडीशन था भाई, इम्प्लाइड कंसेंट था, कंडीशन कंसेंट था, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटिंग डीलिंग होता था, क्या करना है प्रॉपर्टी के साथ, वो उसकी बीवी ही देखती थी उसके जीवन काल में भी, और उसपे कभी ऑब्जेक्शन नहीं होता था। तो मरने के बाद भी उस प्रॉपर्टी का डीलिंग क्या करना है वो उसकी बीवी ही देख रही है, इसका मतलब ये है कि उसका हस्बैंड का इम्प्लाइड कंडीशन था। और कोर्ट ने कहा कि जो मॉर्गेज किया गया है, यानी मॉर्गेजी का जो राइट्स है वो प्रोटेक्टेड है इस सेक्शन के अंदर, यानी जिस व्यक्ति ने गिरवी लिया है उस जमीन को, उसका राइट्स जो है वो बना रहेगा, उसका राइट है, ठीक है। अनुदा मोहन है, आनंद नहीं है, स्पेलिंग सही है, ANODA मोहन। क्यों इम्पोर्टेंट ये केस, क्यों इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि यही केस जो था इस सिक्कल का फाउंडेशन था। केस है आपका राम कुमार कुंडो वर्सेस मैक्यूनी 1872 का केस, और आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो आया है वो 1882 में आया, इस केस के होने के 10 साल बाद। इस सेक्शन जो था ना, इस सेक्शन का प्रिंसिपल इस केस में लेट डाउन कर दिया गया था, और बाद में जब इसका ड्राफ्टिंग हुआ तो इस केस में जो प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया था उसको सेक्शन के फॉर्म में सेक्शन 41 में डाल दिया गया। इसीलिए ये केस जो है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है, केस जो था वो प्रीवी काउंसिल के द्वारा डिसाइडेड था, केस में सुलझ किया हुआ था। एक अलेक्जेंड्रा नाम का आदमी रहता है, ठीक है, वो कलकत्ता में एक प्रॉपर्टी खरीदता है भानु बीवी के नाम, ठीक है, भानु बीवी के नाम। अलेक्जेंड्रा नाम का एक व्यक्ति है, उसने कलकत्ता में एक प्रॉपर्टी खरीदा और प्रॉपर्टी पे नाम किसका डाला, भानु बीवी के नाम डाला। ठीक है, भानु बीवी एक्चुअल में उसकी मिस्ट्रेस रहती है, इतना बात समझ में आया। अब ये जो भानु बीवी है उसके दो चाइल्ड रहते हैं, एक चाइल्ड से हम लोग को मतलब नहीं है, एक इसकी बेटी रहती है मैक्यूनी, MACUW, मैक्यूनी, ठीक है, मैक्यून इसकी बेटी। ठीक, इतना बात समझ में आ रहा है। अब ये जो प्रॉपर्टी कलकत्ता में भानु बीवी के द्वारा, भानु बीवी का नाम जिस पे था और प्रॉपर्टी खरीदा था अलेक्जेंड्रा ने, ठीक, वो भानु बीवी अलेक्जेंड्रा के जीवन काल में, जब अलेक्जेंड्रा जिंदा था उसी समय ये प्रॉपर्टी बेच देती, और ये प्रॉपर्टी बेचती है राम धोना, राम धोना, DHONE, यहाँ पर है स्पेलिंग, राम धोना, ठीक है, राम राम धोने को प्रॉपर्टी बेच देती है। राम धोने एक्चुअल में क्या है, राम कुमार का पिता है, ये जो राम कुमार है ना, राम कुमार कुंडू उसका पिता है, तो राम धोने को प्रॉपर्टी बेच दी उसने। जो थी भानु बीवी वो प्रॉपर्टी बेचने का मर गई, ठीक है, बाद में ये भी मर गया। इसकी जो बेटी थी मैक्यूनी वो कोर्ट में केस फाइल करती और कहती है कि मेरे फादर ने मेरे नाम पे विल लिख रखा और इस प्रॉपर्टी को मेरे नाम पे लिख रखा। मेरे फादर जो थे वो एक्चुअल ओनर थे, रियल ओनर थे इस प्रॉपर्टी को, तो उनके उनके विल को कोर्ट एक्सेप्ट करे, ये जो प्रॉपर्टी राम धोना को दिया गया है वो प्रॉपर्टी उनसे लेके हमको दे दिया गया, क्योंकि एक्चुअल मालिक हम है प्रॉपर्टी के, विल के हिसाब से। राम धोना जो रहता है वो पिली लेता है कि देखिए हम बोना फाइड परचेजर, हमको इस प्रॉपर्टी पे भानु बीबी का नाम मिला, हमने भानु बीबी से खरीद लिया, हम मेरे से जो भी जानकारी प्राप्त होता था हम कर लिए, हर सेंस में हमको लगा कि एक्चुअल ओनर जो है वो भानु बीबी ही है, तो हम प्रॉपर्टी खरीद लिए। ये लोअर कोर्ट में चला, ठीक, तो कलकत्ता हाई कोर्ट में फादर ने मेरे नाम पे विल कर रखा है और हम ही, मेरे फादर जो थे वही रियल ओनर थे, ठीक, और जो राम कुमार के फादर थे, क्या नाम था, राम धोना, राम धोना का ये कहना था कि देखो हम बोनाफाइड परचेजर, दोनों ने अपना अपना खरीद लिया। कलकत्ता हाई कोर्ट जो लोअर कोर्ट होते थे उस टाइम, तीन कोर्ट होते थे, तीन प्रेसिडेंसी टाउन, तीन हाई कोर्ट और एक प्रिवी काउंसिल जो सुप्रीम कोर्ट की तरह वर्क करता था, हाईएस्ट अपलेट कोर्ट। तो पहले कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मैटर को सुना,
ठीक है, उसने कहा, उसने मैक्यून के फेवर में फैसला दे दिया, ठीक, और कहा कि मैक्यून उसकी मालिक का ना हक हो गए, रामधुना को नहीं मिलता। जाहिर सी बात है रामधुना जाएगा अपील में। अपील जाते जाते और ये सब होते होते इतना टाइम बीत गया, रामधुना की मृत्यु हो गई और उसको उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा रिप्लेस किया गया राम कुमार से। ठीक, तो अब केस क्या बन गया, राम कुमार उदोन वर्सेज मैक्यूनी। ठीक है, जब प्रीवी काउंसिल में गया ये मामला तो प्रीवी काउंसिल ने राम कुमार का अपील की मंजूरी दे दी, अपील की मंजूरी दे दी। अलाउ द अपील मतलब क्या होता है, अलाउ द अपील मतलब होता है कि जो लोअर कोर्ट का जजमेंट है उसको हम पलट दें। नॉट अलाउ द अपील या डिस अलाउ द अपील मतलब लोअर कोर्ट का जजमेंट जो है उसको हम अपील कर रहे हैं, उसी को हम रख रहे हैं, और अलाउइंग द अपील मतलब हम पलट रहे हैं। तो प्रीवी काउंसिल ने जजमेंट पलटते हुए कहा कि देखिए अलेक्जेंड्रा जो था हो सकता मतलब था रियल ऑनर, लेकिन उसने अपनी भानु बीबी को ठीक दे रखा था प्रॉपर्टी मैनेज करने के लिए, डे टू डे अफेयर करने के लिए, टाइटल में उसी का नाम। तो भानु बीबी जो थी अपने आप को शो करती थी रियल ऑनर, और जो आपके राम कुमार के फादर थे रामधुना उसने पूरी तरह से बोनाफाइड परचेसिंग किया था। इसीलिए हम इक्विटी का प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पीपी था नहीं, पीपी था नहीं तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और इक्विटी से काम चलाया जाता था। उसने नेचुरल इक्विटी का प्रिंसिपल अप्लाई करते हुए कहा कि एक आदमी जो अपने आप को शो कर रहा है कि हम रियल ओनर है और उसने कुछ कर दिया, बाद में उसको उसके बात से मुकरने नहीं दिया जाएगा। जो भानु बीबी थी उसने बेच दिया, अपने आप को रियल ओनर समझाते हुए प्रॉपर्टी बेच दिया, तो बाद में उसकी जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो ये क्लेम नहीं कर सकती है कि मेरी मेरी जो मदर थी उसने गलत किया था, वो भी स्टॉपर के प्रिंसिपल से बाहर। तो इसमें ये हेल्ड कर दिया गया कि बोनाफाइड परचेजर जो है उनके फेवर में फैसला दे दिया, लास्टली जमीन राम कुमार को मिली। कड़ा पे ट्रांसफर जो है वो कंसिडरेशन के साथ होना चाहिए, विथ कंसिडरेशन होना चाहिए। तो अगर कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहा है या ग्रेटिट्यूस ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर ये सेक्शन 41 अप्लाई नहीं करेगा। गिफ्ट किया हुआ प्रॉपर्टी जो ट्रांसफरी है, जिसको प्रॉपर्टी मिल रहा है वो खरीदा हो, कुछ ना कुछ कंसिडरेशन में दिया हो, कुछ सेल किया हो, एक्सचेंज किया हो, मॉर्गेज किया हो, लीज किया हो, इसमें बदले में कुछ ना कुछ देना होता है इन सभी चीजों में। तो बदले में उसने कंसिडरेशन के रूप में कुछ दिया हो तभी सेक्शन 41 अप्लाई करेगा। अगर ऑस्टेंसिबल ऑनर किसी को प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दे रहा है तो बोनाफाइड इंटेंशन से गिफ्ट ले भी रहा है तो कहेगा गिफ्ट ना लियो, वापस करो। समझे, ट्रांसफ्री जो है जिसको प्रॉपर्टी मिल रहा है वो गुड फेथ में एक्ट किया जाना है। गुड फेथ मतलब होता क्या है, बोनाफाइड इंटेंशन के साथ, अच्छे इंटेंशन के साथ। हम किसी को छल धोखा से कुछ प्रॉपर्टी हासिल कर ले ये इंटेंशन नहीं होना चाहिए। हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए कि हम प्रॉपर मनी उसको दे रहे हैं, उसके अवज में हम पैसा ले रहे हैं। हो सकता है कि हम मोल भाव करके थोड़ा मनी कम दे, थोड़ा मनी कम दे, ऐसा हो सकता है, लेकिन वो बोनाफाइडली होना चाहिए। ठीक, मतलब अच्छे इंटेंशन के साथ, किसी को धोखाधड़ी करने का इंटेंशन हमारा नहीं होना चाहिए। गुरु बख्श सिंह वर्सेज नायका सिंह का केस है। इसमें क्या होता है, एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली के प्रॉपर्टी का पार्टीशन किया जाता है, उसमें कुछ शेयर्स जो होते हैं वो गलती से गलत बट जाते हैं, उसके ऊपर डिस्प्यूट चलते रहता है, ये शेयर इसको मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, इस बात को लेके हिस्सा थोड़ा सा गलत बट गया, उसको रिगार्डिंग डिस्प्यूट चल रहा। अब क्या हुआ
कि जब डिस्प्यूट चल रहा है तो उसको ऊपर ऑब्जेक्शन भी उठाया गया और एप्लीकेशन भी दिया गया कि भैया आप इस मिस्टेक को करेक्ट कर लो। इतना ही बीच में जिस आदमी को थोड़ा ज्यादा हिस्सा चला गया था वो किसी और आदमी अपने गांव के ही किसी और आदमी को वो हिस्सा बेच देगा। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि देखिए आप लोग रह रहे हैं एक ही गांव में, एक गांव में रहते हुए ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको उनके परिवार में लड़ाई झगड़ा जो चल रहा है उसके बारे में जानकारी ना हो, और आपको जानकारी है कि इसका पे गलती से नाम चढ़ा हुआ है और इसके रिगार्डिंग एप्लीकेशन वगैरह चल रहा है, ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है हर जगह, इसके बावजूद आपने खरीदा है, आप गुड फेथ में नहीं खरीदे हैं, आपका आशा ही है कि हम धोखाधड़ी करें, आपको नहीं मिलेगा ये केस। तो अगला जो इसेंशियल है वो कह रहा है कि रीजनेबल केयर रखा ट्रांसफरी ने उस प्रॉपर्टी को खरीदते हुए, जो उस प्रॉपर्टी को खरीद रहा है क्या उसने रीजनेबल केयर रखा, जितने रीजनेबल केयर से पता करना चाहिए था कि प्रॉपर्टी आखिर नाम किसका है प्रॉपर्टी को उसने पता किया। नागेश्वर प्रसाद वर्सेस राजा प्रीतिश्री का केस ये, इसमें क्या होता है ए जो रहता है वो एक्चुअल ऑनर रहता है प्रॉपर्टी का, गलती से रिवेन्यू रिकॉर्ड पे एक जगह बी का नाम चढ़ जाता है, बी जो है वही प्रॉपर्टी सी को मॉर्गेज कर देता है। सी जब प्रॉपर्टी खरीद रहा था तो उसने रिवेन्यू रजिस्टर देखा, रेवेन्यू रजिस्टर ने उसने बी का नाम पाया, वो क्लेम किया कि देखिए हम तो बोनाफाइड परचेजर हैं, हम रेवेन्यू रजिस्टर देख के खरीदे हैं, रेवेन्यू रजिस्टर में बी का नाम था, हमको बी के हिसाब से मॉर्गेज मिल जाना चाहिए, हम बोनाफाइड परचेजर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रीवी काउंसिल ने हेल्ड किया आप जब रेवेन्यू रजिस्टर देख रहे थे तो रेवेन्यू रजिस्टर के ऑब्जेक्शन का लिस्ट देखे थे, एक एप्लीकेशन देखे थे कि मिस्टर ए ने ऑब्जेक्शन उठा रखा है कि मिस्टर बी है उसके ओरिजिनल ऑनर नहीं है हम है, ये जो रजिस्टर रहता है उस पर ऐसा कोई ऑब्जेक्शन उठता है तो रजिस्टर पे मेंटेन किया जाता है, आपने थोड़ा सा रीजनेबलनेस रखा होता तो आपको वो ऑब्जेक्शन जो है वो दिख गया होता, आपने प्रॉपर रीजनेबल केयर नहीं रखा, जितना आपको पता करना चाहिए था उसने आपने पता नहीं किया इसलिए आपको नहीं मिल सकता। लास्ट बात ये है कि अब ये जो एक्ट ये सेक्शन है वो आपका बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 था पहले, अब जो है वो बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट आ गया है 2016 का, ये चीज लिख लीजिए देख लीजिए कहीं नहीं लिखा हुआ, ये 2016 का आया है, ये जो बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट है 2016 का वो है आपका 43 ऑफ 2016 और ये इंफोर्समेंट हुआ है 1 नवंबर 2016 से ये इंफोर्स हुआ, ठीक है। इससे पहले इस एक्ट के आ जाने से पहले एक और एक्ट आया था जो बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 था, उस एक्ट में कहा कि देखो अब हम प्ली नहीं लेने देंगे कि कौन रियल ऑनर है कौन ऑस्टेंसिबल ऑनर, दोनों क्या जब ऐसा केस आएगा रियल ऑनर और ऑस्टेंसिबल ऑनर के बाद में तो डिस्प्यूट उठेगा, अब जब दोनों पार्टी लड़ेगा आपस में तो आखिर सरकार को पता चलेगा ना कि कहां कहां कौन कौन प्रॉपर्टी बेनामी तौर पे खरीदा गया है टैक्स इवेड करने के लिए, अब जो सरकार है वो उस प्रॉपर्टी का छानबीन कर पाएगा, इसीलिए ये एक्ट आया था कि कितना कितना सरकार से टैक्स वगैरह चोरी किया जा रहा है इसका जरा पता किया जाए, तो ये एक्ट लाया था, अब इसको रिप्लेस करके 2016 वाला लाया। ये जो एक्ट है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं काम करता था, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं काम करता था मतलब इस 88 से पहले अगर कोई सूट फाइल कर दिया आपने ऑस्टेंसिबल ऑनर के बेसिस पे तो वो सूट मेंटेनेबल है, लेकिन 88 के बाद अगर कोई आप सूट फाइल कर रहे हैं तो वो मेंटेनेबल नहीं था, वो गाइड हो जाता था बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट से, ठीक है।
ये बात था। और बहुत सारा है बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट से रिलेटेड, लेकिन बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट जो है हमारे सिलेबस में है नहीं, तो पढ़ने का कोई मतलब है।